हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध जो कोशिकांग है वो हम पढ़ रहे थे, और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, लवक के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब अगला जो टॉपिक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इस वीडियो के अंदर अपने माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्यों को पढ़ेंगे। ठीक, शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड यानी सूत्र, धागे, और कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेन्यूल या कणिका। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, सूत्र कणिका है, एक धागे समान संरचना है, इसको सूत्र कणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो है कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों के अंदर देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने देखा, और फ्लेमिंग ने इसको जो है फिला या फाइलिया नाम दिया, आल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया। अगर बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज का जो श्रेय है वो फ्लेमिंग और आल्टमैन दोनों को दिया जाता है। फ्लेमिंग और आल्टमैन दोनों को इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो सी बेंडा ने दिया, सी बेंडा, चार्ल्स बेंडा, इसने जिसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसके बाद देखिए इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना में ये प्रोकैरियोट कोशिका को छोड़ करके बाकी सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, चाहे वो पादप कोशिका है, चाहे जंतु कोशिका है, चाहे कवक कोशिका है, या कोई भी कोशिका है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये गोलाकार या फिर थ्रेडनुमा या छड़ाकार हो सकता है, दागेनुमा या छड़ाकार हो सकता है। इसके आकार की बात करें तो इसका जो इसकी जो लंबाई है वो 5 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर हो सकती है, और इसका जो व्यास है वो 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये इसका औसतन व्यास है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, वो कोशिका की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। उसके बाद इसकी देखिए संख्या, तो इसकी जो संख्या है वो सामान्यतः एक कोशिका के अंदर जो है 50 से लेकर के 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन एक शैवाल है उसका नाम है माइक्रोस्टेरियास, ये शैवाल है जिसकी कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और कुछ ऐसे भी एक कोशिकीय जीव हैं जिनके कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 5 लाख तक हो सकती है, तो ऐसे भी जीव उपस्थित। नॉर्मली बात करें तो जो जंतु कोशिका है उसके अंदर पादप कोशिका की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि जंतु कोशिका पादप कोशिका की तुलना में कार्यकी रूप से ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए उसके अंदर ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। उसके बाद देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिका होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है वही सेल ऑर्गेनेल है, इसमें इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो स्पार्ट होती है, सीधी होती है, और जो आंतरिक झिल्ली होती है वो भीतर की ओर फोल्ड होकर के, भीतर की ओर बलित होकर के कुछ तूली के समान उबार बनाती है, और इन उबारों को क्रिस्टी कहा जाता है। भीतरी झिल्ली अंदर की ओर बलित होकर के क्रिस्टी तूली के समान उबार बनाती है और इनको क्रिस्टी कहा जाता है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली इन दोनों के बीच में इस कारण से स्पेस बन जाता है, जगह बन जाती है, और इस स्थान को परिकला अवकाश कहा जाता है, परिकला अवकाश कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसी कला के अंदर जो भीतरी कला है, आंतरिक झिल्ली है, इसके अंदर की ओर जो है प्रोटीन युक्त जो है जेल के समान प्रोटीन युक्त जो है समांगी पदार्थ भरा रहता है, और उस समांगी पदार्थ को आधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है। क्रिस्टी की जो सतह है, क्रिस्टी की सतह पर
एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर टेनिस के रैकेट के आकार की जो संरचना पाई जाती है, और इन संरचनाओं को ऑक्सीसोम्स कहा जाता है या फिर F1 कण या प्रारंभिक कण कहा जाता है। तीन नाम है इसके, ऑक्सीसोम, प्रारंभिक कण या F1 कण कहा जाता है। टेनिस के रैकेट के आकार की संरचना, इंपॉर्टेंट बात है ये, इसका क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उपस्थित होती है और ये तीन भागों के की बनी होती है, तीन भागों के इसका एक सिर, वृंत और आधार, तीन भागों के अंदर बटी है सिर, वृंत और आधार। जो सिर होता है उसका व्यास 85 एंगस्ट्रॉम होता है, 85 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है, जिसके सिर के अंदर जो है ऑक्सीजन जो होता है, इसके सिर के अंदर ATP सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है जो कि ATP निर्माण के अंदर सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इसके अंदर जो है, जो सिर है इसके अंदर ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है ETS चक्र जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है, श्वसन श्रृंखला जिसको कहा जाता है, वो इन्हीं के अंदर होती है, और इसके अलावा इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है उसकी प्रक्रिया होती है, तो वो काम ये यानी ATP का जो फॉर्मेशन है वो इस ऑक्सीसोम के अंदर होता है और इस ATP सिंथेटिक एंजाइम की सहायता से ये काम किया जाता है। इसके अलावा जो है इसके मैट्रिक्स के अंदर बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर जो है राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो कि 70S प्रकार के होते हैं और DNA उपस्थित है। DNA जो है वो नेकेड होता है और गोलाकार होता है। RNA उपस्थित होता है, लवण उपस्थित होता है और इसके अलावा जो है इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है क्रेब्स चक्र, श्वसन की जो है एक प्रोसेस है, एक चक्र है जिसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है, तो वो क्रेब्स चक्र के एंजाइम जो है इसके मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित होता है क्योंकि वो साइकिल है उसके मैट्रिक्स के अंदर ही जो है परफॉर्म होता है, इसलिए इसके एंजाइम जो है वो मैट्रिक्स के अंदर ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बात, इसके जो DNA होता है, DNA के अंदर G+C की जो मात्रा होती है वो A+T की तुलना में ज्यादा होती है। G मतलब गुआनिन, C मतलब साइटोसिन, ये जो नाइट्रोजन शार्क होते हैं जो DNA की संरचना के निर्माण के अंदर भाग लेते हैं, ये एडेनिन है और ये थाइमिन। G+C की मात्रा जो है वो A+T से अधिक होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका निर्माण जो है वो अपने आप ही ये कर लेता है, यानी नया माइटोकॉन्ड्रिया वो खुद ही हो जाता है, इसमें विभाजन की क्षमता होती है जिससे ये नया जो माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, और लेकिन ये विभाजन की जो क्षमता है यानी नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता है ये सिर्फ कोशिका के अंदर रहते हुए ही होती है, कोशिका के बाहर स्वतंत्र रूप से माइटोकॉन्ड्रिया जो है नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण नहीं कर सकता है, ये कोशिका के अंदर ही हो सकता है क्योंकि इसके DNA के अंदर कुछ जीन उपस्थित होती है जो जिससे कि अपने जो ये आवश्यक जो अमीनो एसिड है या जो प्रोटीन है वो बना सकता है, लेकिन कुछ के लिए जो है ये जो कोशिका का DNA होता है उस पर डिपेंड होता है, तो इसलिए इसको जो है अर्ध स्वायत्त कोशिकाओं की संज्ञा दी गई है, यानी आधे जो चीजें जो ये खुद बना सकता है लेकिन बाकी जो कुछ चीजों के लिए जो है केंद्रक जो होता है कोशिका को उस पर भी निर्भर होता है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका संरचना है। इसके बाद इसके जो कुछ रासायनिक संगठन की बात कर लें तो रासायनिक संगठन में इसमें प्रोटीन जो होता है लगभग जो है वो 65 से लेकर के 70% तक होता है और लिपिड की मात्रा जो होती है वो 25% तक होती है। इसके अलावा 0.5% इसके अंदर RNA पाया जाता है और इसके अलावा और कुछ अन्य पदार्थ भी इसके अंदर उपस्थित, DNA जो थोड़ी सी मात्रा में वो भी उपस्थित होता है। तो ये सारी बातें हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद आगे हम देख रहे हैं इसका माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के, हमारे पास चार कार्य है इसके,
देखते हैं इसको। सबसे पहला कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है, या इसको क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है जो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन के दौरान जो है एटीपी का निर्माण होता है, और उस एटीपी का संग्रहण जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संग्रहण होता है। जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ये एटीपी जो है टूट करके एडीपी और फास्फेट और ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। एटीपी जो है वो टूट करके एटीपी जो है ये टूटता है और इसे एडीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस फास्फेट अलग हो जाता है, प्लस ऊर्जा निकल जाती है। तो ये ऊर्जा कोशिका को जो अपने जैविक कार्यों को करने के अंदर काम आती है, यानी इससे हमें ऊर्जा मिल रही है, इससे कोशिका को ऊर्जा मिल रही है, इसलिए इस कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। ये अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। हमारे को भी बिजली कहां से मिलती है, ऊर्जा कहां से मिलती है, पावर हाउस से मिलती है। ओके, इसलिए इसकी संज्ञा दी गई। इसके बाद बात करें क्रेब्स चक्र की। तो पहले हमने बात की है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चलती है, वो उसके अंदर संपन्न होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो है ग्लूकोज के अणु का अपघटन होता है और उससे दो अणु पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है। अब ये पाइरूविक अम्ल जो है वो वायवीय परिस्थितियों में विभिन्न एंजाइमों के श्वसन एंजाइमों की सहायता से और एक चक्रीय प्रक्रम जो है कंप्लीट करता है और उस चक्रीय प्रक्रम को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। और ये क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही संपन्न होता है, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया वो क्रेब्स चक्र को एक यानी स्थल प्रदान करता है, स्थान देता है जिसके अंदर ये संपन्न हो सकता है। तो ये भी काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। तीसरी बात करें हम ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की जो क्रिया है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो F1 कण होते हैं या ऑक्सीसोम्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीकारी फास्फोरिलेशन की क्रिया होती है, जिसमें जो है NADH2 है या NADPH2 है या FADH2 है, इनका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है और इससे ATP का निर्माण होता है। इनसे एटीपी का निर्माण होता है जो कि कोशिका मुद्रा होती है और इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संग्रहित कर लिया जाता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। इसके अलावा जो है फोर्थ पॉइंट इसका प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन जो है ये पौधों के अंदर होने वाली एक घटना होती है, जो हमने हरित लवण के अंदर भी इसको बात की थी कि ये तीन कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है, हरित लवण है, पेरोक्सिसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया, तीन कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये प्रक्रिया जो है संपन्न होती है तीनों कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी आता है। तो इस प्रक्रिया को जो है स्थल प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का विशेष योगदान इस प्रोसेस के अंदर होता है प्रकाश श्वसन की क्रिया। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य है और इसकी स्ट्रक्चर है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, सारा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको फिर कोई दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9166664948। ओके, धन्यवाद।